तो भाई ये मेरी पबजी मोबाइल मैच 61 की हाइलाइट्स देखते जा रहे हैं गातिया। ये वाला जोन भी पूरा ओपन में था तो थोड़ा मैं बुशेस में चला रहा था ताकि कोई स्नेक हो तो मर जाए। टॉप 10 में भी नहीं आया था तो बस घुमानी थी मुझे, रुकना नहीं था। थोड़ा ना मतलब पेड़ के आसपास मतलब चक्कर लगाते रहा करो, वहाँ पे तो मैं स्नेक स्पॉट हो जाता है मतलब। फिर भी कि 15 बंदे लाइव हैं तो ओपन में तो होंगे ना मतलब 7-8 बंदे। धीरे धीरे करके लेफ्ट राइट में यहाँ पे बढ़ रहा हूँ, ज़्यादा तेज बोर्ड में तो मतलब घूम जाती है ना, धीरे धीरे ही मोड़ता हूँ मैं इसलिए। यहाँ पे एक स्पॉट हुआ तो था, पता नहीं चढ़ पाती या चढ़ गई। जहाँ पे मतलब बंदा भाग रहा होता है ना वहाँ पे तुम चलाया करो, अगर तुम बंदे के ऊपर चढ़ाओगे ना मतलब तो वो बंदा आगे निकल जाएगा, बगल वाली लेफ्ट से निकल जाएगी। तो यहाँ पे एक और देखते हैं किल, ये बच गया ज़रा सा, वो मतलब चलते चलते रुक गया था ना, तो अगर वो नहीं रुकता तो चल चढ़ जाती उसका। तो यहाँ इस बंदे मतलब इस घर में भी बंदे थे तो टॉप 10 में नहीं आया अभी भी, कोई नहीं यहीं पे घूमता रहूँगा ऊपर नीचे। यहाँ पे एक बंदे की फाइट हो गई थी तो मैं इसको भी मारने का रिस्क नहीं लिया, अगर मैं टॉप 10 आया था ना तो मैं इसको रिस्क ले सकता था, क्योंकि इसकी जीप एकदम से रुकी हुई थी तो मैं वही स्पीड स्टॉप करता अपनी बगी, तो वो बंदा बगी पे शूट करता फिर उसको मार देता। अब मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, टॉप 10 आ गया मैं। कोने कोने में ना चांस होते हैं मतलब स्नेक बनने का, क्योंकि लोग जोन में भाग के आ रहे होते हैं ना तो वो स्नेक बन के फिर हील करते हैं। तो यहाँ पे कोई दिखा तो है नहीं, यहाँ ऊपर शायद कोई M24 चला रहा था तो इसलिए मैं उससे थोड़ा दूर ही हट गया। एक बंदा पीछे था, क्रिएटिव, मैं सोचा थोड़ा घूम फिर के इसको लूट लो जल्दी से, पर छोड़ो चलो, जो जीव वाला है ना वो रोक के मार सकता था। फिर भी यहाँ पे पत्थर पे कोई था तो नहीं, एक ऑकरेट पड़ी हुई थी, तो जो भी मतलब बंदे थे ना वो मतलब रेड हाउस के आसपास ही था या फिर वो सामने वाली हिल्स पे था, तो 6 में से 1 ये साइड में चल रहा है, एक मैं हूँ तो बाकी 4 देखना उन्हें कहाँ पर है। अभी भी ऊपर चला रहा था मतलब वही M24 वाला था, पर स्पॉट सा नहीं हो रहा था मुझे पता नहीं, यहाँ पे था। अच्छा तो यहाँ पे देखता हूँ इसको, यप इस पर चढ़ा दी मैंने इजी एकदम से, मैं लूटा नहीं क्योंकि आसपास मतलब हो सकता है ना बंदा, तो इसने भी सोची थोड़ी थर्ड पार्टी करने की, तो इसको मैंने थोड़ा डरा दिया। यहाँ पे भग गया, ये यहाँ पे वापस नहीं आएगा यहाँ पे नहीं, पहले मैं सोचा थोड़ा स्मोक डाल के लूट लूँ, पर यहाँ पे एकदम से 2 बंदे आ गए थे ना, तो एक बंदा मतलब रेड हाउस में था, 2 यहाँ पे गाड़ी में चल रहे थे, एक मैं था, तो रेड हाउस वाला वहाँ छत पे से मार रहा था मतलब, उसको पता था ना मतलब 3 बंदे गाड़ी में तो है ही, तो इजली मैं छत पे चढ़ के उसको लगा कि मैं मार दूँ तीनों को। देखो 3 यहाँ पे हम, एक वहाँ पर, तो इसलिए मैं उससे थोड़ा दूर ही था, और लाल गाड़ी वाले ने थोड़ा वहाँ पे मतलब थोड़ा रिस्की हो गया उसके लिए, तो उसको मतलब स्लैम करनी पड़ी वहाँ पे,
तो वहाँ पे एक बंदा मर जाएगा, तो इतने में मैं पेड़ का कवर ले लेता हूँ। वहाँ पे जीव वाले ने भी ठोक दी वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे अलाइव टू हो जाएंगे अब, तो मेरे लिए 1v1 सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे अगर मेरे पे AR होती ना तो इजीली मैं मार सकता था, पर AR थी नहीं मेरे पे। कोई नहीं, चलो अब मतलब जोन भी उसी पे था रेड हाउस पे, तो मैं सोचा भाई मुझे रश तो करना ही है, चाहे कुछ भी है टॉमी है मेरे पे, तो अच्छा हुआ टॉमी है, क्योंकि ये एक AR तो मतलब होनी चाहिए ना, मतलब बंदे मारने के लिए। M16 से मैं मारता नहीं, मैं सोचा थोड़ा थोड़ा इसको हीलिंग का टाइम ना दूँ, एकदम से मैं स्लैम कर दूँ, मैं भी देखा जाएगा क्या होता है। तो लकीली वो बंदा यहाँ नीचे ही था, तो यहाँ पे इजली मैंने इसको टॉमी से पेल लिया। इस बंदे ने गलती करी, इसको ना ये पता नहीं क्या लूट रहा था, क्या कर रहा था, इसको ऊपर जाके बैठना चाहिए था। अगर ऊपर होता ना तो मेरे लिए थोड़ा मतलब थोड़ा सा हार्ड होता इसको मारना, क्योंकि ये बंदा यहाँ इस स्पॉट पर मतलब टीवी भी ले सकता था, पर पता नहीं भाई साहब क्या ही कर रहा था। तो चलो यहाँ पे मेरा +19 हो गया 4 किल के साथ, बढ़िया है। चलो -14 49 टाइम्स जो टॉप 10 में आ गया। 49 भी मतलब मैं इसलिए, क्योंकि 5-6 मैच में तो हैकर ही था, हैकर ने मार दिया मतलब उससे टॉप 10 में नहीं आ पाया। चलो इस मिलते आपसे नेक्स्ट मैच में।